ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदा सूरत हाल, जिसका हम सबको पता है कि काफ़ी अरसे से अमेरिका ईरान को धमकियां लगा रहा है और काफ़ी प्रेशर भी है अमेरिका का ईरान पर, लेकिन उसके बावजूद ईरान धमकियों में नहीं आ रहा और इसी वजह से ईरान ने अपना वॉरशिप भी पानियों में उतार लिया है। इसी हवाले से पहले भी आपको एक तफसीली वीडियो बना के दी थी जिसमें आपको बताया था कि ईरान का एक वॉरशिप, जिसको मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी कह सकते हैं, वो ईरान के समंदरों में आ गया है, जिसकी वजह से अमरीकी बहरी बेड़े को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा अमेरिका जो अपनी तिजारत अरब ममालिक के साथ कर रहा था, उसमें भी अमेरिका को काफ़ी रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि अभी भी करना पड़ रहा है। और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अमेरिका जिसके जंगी तैयारे ईरान की सरहदी हदूद के अंदर तक प्रवास करने लग गए थे, लेकिन अब अमेरिका अपना बहरी बेड़ा लेकर भाग रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन्फो इनसाइट को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस हवाले से एक अजीब सी सिचुएशन है। अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द इस जंग को छेड़ा जाए और छेड़ने के लिए अमेरिका कोई ना कोई जवाब उठाना चाह रहा है। इसमें एक अजीब और गंभीर सिचुएशन पैदा हो गई है, कुछ ऐसी सिचुएशन जो कि काफ़ी पेचीदा सिचुएशन है। एक तरफ अमेरिका अपने जंगी जहाज B-52 को ईरान की सरहदी हदूद तक ले जाता है और दूसरी तरफ अब हालात ये हो चुके हैं कि अमेरिका अब अपना बहरी बेड़ा ईरान की सरहदी हदूद से लेकर जा रहा है, और यही अमरीकी बहरी बेड़ा जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल थे और उन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए ही अमरीकी जंगी जहाज उड़ा करते थे। दूसरी तरफ ईरान भी अमरीका को धमकियाँ लगा रहा है और अमरीका चाहता यह है कि ईरान किसी तरह पहल करे ताकि इस जंग को छेड़ा जा सके और दुनिया को अमेरिका ये कह सके कि हमने पहल नहीं की, ईरान ने पहल की है। और अमेरिका के पास इस जंग को छेड़ने के लिए बहुत थोड़ा वक्त है, क्योंकि 20 जनवरी के बाद जो बाइडन आ जाएगा और फिर शायद ये सूरत हाल काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हो जाए। लेकिन अभी कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि अमेरिका धमकियाँ भी लगा रहा है, पाबंदियाँ भी लगा रहा है, अपने जंगी जहाज़ों को ईरान के सरहदी हदूद तक लेकर जाता है और दूसरी तरफ अपना बहरी बेड़ा ईरानी सरहदी हदूद से दूर लेकर जा रहा है। ये भी हो सकता है कि अमेरिका सिर्फ धमकियां लगा रहा हो और सिर्फ ईरान को डरा धमका के ही अपने कंट्रोल में करना चाहता हो, तभी तो अमेरिका ने अभी तक इस जंग को नहीं छेड़ा। और ईरान भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि सारे इल्ज़ामात अपने ऊपर लगवा ले। इसी वजह से ईरान ने भी सिर्फ अमेरिका पे आंखें निकाली हुई हैं। अब यह भी हो सकता है कि इसमें अमेरिका की कोई गहरी चाल हो, तभी अमेरिका अपना बहरी बेड़ा दूर लेकर जा रहा है और इसी धोखे में आकर ईरान कोई गलत कदम उठा ले और अमेरिका को जवाब मिल जाए ईरान पर हमला करने का। क्या ये वाकई अमेरिका की चाल हो सकती है या अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं कर सकता? आप इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।